नमस्ते। पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके से एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से सटी नियंत्रण रेखा के पार पाक के कब्जे वाले कश्मीर में किशनगंगा नदी पर पाकिस्तान ने कंक्रीट के तटबंध बनाकर नदी की धारा को बदल दिया है। पिछले 10 साल के दौरान भारतीय क्षेत्र के किसान लगभग 100 एकड़ उपजाऊ जमीन खो चुके हैं। ये जमीन नदी के डूब क्षेत्र में चली गई है। गांदरबल से शुरू होने वाली ये नदी केरन घाटी से बहती है। भारतीय क्षेत्र में 140 किलोमीटर बहने के बाद ये पीओके में मुजफ्फराबाद में झेलम नदी में मिलती है। इसकी वजह से भारतीय सीमा में किशनगंगा हर साल अपनी धारा बदल रही है। कभी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किसानों की जमीनों को किशनगंगा की बदलती धारा ने निगल लिया है। पाक ने मुहाने पूरी तरह संकरे कर दिए हैं। इससे बाढ़ में किशनगंगा नदी के बैकवर्ड फ्लो से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। किशनगंगा नदी को पीओके में नीलम नदी कहा जाता है। कुपवाड़ा से केरन तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर तक कच्ची सड़क है। एक पुल का निर्माण करीब 7 साल से चल रहा है, लेकिन यह पुल अब तक तैयार नहीं हुआ है। भारत ने पिछले साल ही केरन घाटी को खोला था, जबकि पाकिस्तान 2013 में नीलम घाटी को पर्यटकों के लिए खोल चुका है और वहां पर पर्यटक आने शुरू हो गए हैं। केरन में भारतीय सीमा में मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं करते हैं। अप्रैल में केरन के पाइन इलाके में किशनगंगा नदी ने सड़क काट दी थी। इसके बाद से वहां से वाहन मुश्किल से गुजर पाते हैं। केरन में किशनगंगा के बीच में एक छोटा टापू पहले नो मैंस लैंड हुआ करता था और इस पर न पाकिस्तान और न ही भारत का कब्जा था। नदी का फैलाव भारतीय क्षेत्र में बढ़ने के कारण भारत के लोगों का वहां जाना अब नामुमकिन हो गया है और अब यह टापू पाकिस्तान की पहुंच में आ गया है। जिस प्रकार पीओके में नीलम वैली को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है, उससे लगता है कि पाकिस्तान इसका फायदा उठाकर एक ना एक दिन इस टापू पर होटल बना सकता है। जबकि भारत अब भी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहा है और केरन के रहने वाले स्थानीय लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।